बंदरों ने चारों तरफ से घेर लिया और मैं इसे खोलता दबाता रहा दबाता रहा दबाता रहा, कुछ नहीं हुआ। भाई साहब ऐसे जान बजा के निकला हूं ना मैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का दिन स्टार्ट हो रहा है पनवानौला से। देखो रात को खिड़की खुली रह गई, हम लोग यहीं पे बंद करे बिना चले गए। गुस्सा तो नहीं है, सुबह सुबह तो इतने आते हैं। तो घर जाने से पहले हम लोग जा रहे हैं पापा और बिन्नी को स्कूल छोड़ने। अब यहाँ से हम लोग फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे घर, फिर हम लोग। तो हम पहुंच गए फिर से सेला प्राइमरी स्कूल में। छोटे छोटे बच्चे स्कूल आने लगे हैं। ये देखो, ये देखो हमारी स्टूडेंट, दो स्टूडेंट, एक टीचर। तो मैं बिन्नी और दीपू को उनके स्कूल में छोड़ के आ रहा हूँ वापस। और मैं सीधे आता हूँ, मम्मी लोगों को बोला हुआ है कि नीचे मार्केट में आ जाना, फिर वो मार्केट में आ जाएंगे, फिर वहीं से हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से सीधे घर को। और बीच में हमें एक दो जगह और जाना है, वो मैं दिखाता हूँ। जो गजब यहाँ का मौसम है ना, इतना ठंडा, अभी जुलाई चल रहा है और बहुत ठंड है यहाँ पे, बहुत ठंड है। मतलब सुबह शाम तो बिना जैकेट के काम नहीं चल सकता, उसका चल सकता है जिसके पास है नहीं। एग्जाम्पल आप देख ही रहे हो वीडियो में, ऐसे ही घूम रहा हूँ तीन दिन से। लेकिन जैकेट रख के लाना आप लोग, ऐसा नहीं यू ही नहीं मैं दीपक बोरा बन जाता हूँ, यू ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। पहुँच गया अभी नीचे, तो यहाँ पे मैं मम्मी पापा का इंतज़ार कर रहा हूँ, फिर निकलेंगे हम। ऐसे हमें जाना है एक और मंदिर, फिर हम मंदिर होने के बाद वहाँ से चले जाएंगे घर। और यहाँ पे ना इतने सारे बंदर हैं और ये काटने आते हैं, इसलिए गाड़ी से बाहर निकलना बहुत खतरे से खाली नहीं है भाई साहब कल, क्योंकि मुझे काट दिया था। ये देखो कल बंदर ने पकड़ लिया यहाँ पे। तो इतने डेंजर बंदर है, डरने वाले नहीं है किसी से। और मैं तो वैसे ही सीधा साधा भोला भाला आदमी, मुझे तो वैसे ही पकड़ ले रहे, जहां मर्जी करे वहां गिर ले रहे। बहुत खतरनाक, बहुत डेंजर बंदर है भाई साहब। अगर बंदर ऐसा है तो यहाँ का भाग कैसा होता होगा, अलग ही होता होगा भाई साहब। तो मुझे लगता है, तो मुझे लगता है यहाँ पे वेट करने का कोई फायदा नहीं है। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ यहाँ पे से, क्योंकि वहां पे से अगर लोग मुझे देखेंगे ना तो शायद थोड़ा जल्दी आ जाए। जब दिखूंगा नहीं ना तो वो लोग फिर अपना टाइम लगाएंगे। और ये देखो बंदरों का आतंक है। और बाघ और बंदर तो जैसे भी होते होंगे, लेकिन नज़ारा जो है ना यहाँ का बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। मैं इतना रिस्क लेके दिखा रहा हूँ ना, तो मैं ये सब पीछे मेरे बंदरों का झुंड है पूरा। तुम लोग के चक्कर में अभी गजब कांड हो गया था। मैं गाड़ी लॉक की हुई थी और ये बटन जो है ना ये ठीक से काम नहीं कर रहा। बंदरों ने चारों तरफ से घेर लिया और मैं इसे खोलता दबाता रहा दबाता रहा दबाता रहा, कुछ नहीं हुआ। भाई साहब ऐसे जान बजा के निकला हूं ना मैं। दिखाता लोग निकल गए पनवानौला से, गाड़ी लोड हो गई है। हेलो कर दो मम्मी, गुड मॉर्निंग कर दो। गुड मॉर्निंग। दरवाजा भी तो बंद कर, तो पैसे आएगी। ये हमारे पिताजी, पापा हेलो बोल दो। पापा जोर से ना सपड़ कह दो, जैसे ना सपड़। ठीक हो रहा, ठीक तो है, हर बार नहीं सपड़ता, थोड़ी है कभी सपड़ता भी है। हेलो बाय। चल भाई यहाँ भी तो शुरू कर दे। हाय बोलो। हाय। तो ये पनवानौला की मार्केट, जहाँ तक हम दो तीन दिन तक थे यहाँ पे, अब हम लोग जा रहे हैं घर को। तो हम लोग पहुंच गए अभी झाकड़ श्याम मंदिर में। ये बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है, जो पीछे असली श्याम देवता यही है। मम्मी बताएं थोड़ा इसके बारे में। ये जो मूल श्याम देवता हुई ना सब लोगों के, वो यही हुई।
यहीं से सबके घरों में गए थे, सब घरों में पूजा करते हैं इनकी। और ये जो पेड़ है, ये पेड़ भगवान ने खुद तोड़ा है। वो जो मेरे पीछे पेड़ दिख रहा है ना, आधा टूटा हुआ वाला पेड़ है, वो मेले के बीच में ऐसे तोड़ के ऐसे फेंक दिया था। और ये सब लोग लाइव देखा था, मम्मी पापा लोगों ने उस टाइम पे मेले में। ये वाला पेड़ की मैं बात कर रहा था, जो ये वाला है उसको ऐसे ऐसे करके तोड़। अच्छा, औरतें आई होंगी, उसकी वजह से श्याम जी ने अपना रूप दिखा दिया, ऐसे मरोड़ के जैसा फेंक दिया। अच्छा, तो ये है इस पेड़ की कहानी। जागर लगती है, देखो ओरिजिनल वाला ढोल दमो, ये है इलेक्ट्रॉनिक, इसका हम ऐसे करके बटन हो। ये है वो वाला पेड़ जो ऊपर आपने देखा था आधा टूटा हुआ, वो ये है, जड़ इसके नीचे होगी, अभी बीच वाला हिस्सा। लोग पूजा पाठ करके आ गए वापस, तो इतना अच्छा माहौल है, चारों तरफ ढोल दमो की आवाज आ रही है, ठंडा मौसम, देवदार के पेड़ अगल बगल, इतना बढ़िया मौसम, इतना बढ़िया एनवायरनमेंट है, बिल्कुल शांति, ढोल दमो के अलावा कोई दूसरी आवाज नहीं आ रही है। कितना खूबसूरत, कितना खूबसूरत। ऐसे ही नहीं देवभूमि कहते उत्तराखंड को, ऐसे ही नहीं कहते, इतनी चमत्कारिक चीजें यहाँ पे खुद आके भगवान ने करी है, समझ नहीं पाएंगे ना सारे लोग, तो इसलिए सब मैं डिस्कस नहीं कर सकता यहाँ पे, लेकिन जो है ना अद्भुत है। अगर ये सब फील करना है ना तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो। तो हम लोग यहाँ खाना खाने के लिए बैठे हैं, खाना नहीं, हम ब्रेकफास्ट करेंगे, ककड़ी वकड़ी, और ये अपना पहाड़ी आलू रायता। अभी तक इनको लेट हो रही थी, अब इनकी रिश्तेदारी निकल गई, तो अभी लोग यहाँ बैठ गए, मस्त हो गए, इनको पता नहीं अभी यहाँ से 200 किलोमीटर दूर जाना है। ककड़ी अभी अभी आई है, हम इसका ठेका कर रहे हैं, अभी इसकी टेंडरिंग हो रही है। 35 लिया था, 35 ककड़ी का टेंडर, तो एक ककड़ी का टेंडर हो रहा है हमारा। दादी बताओ कत को देना चाहते, तो जाकर से हम देवता के मंदिर में जो ककड़ी का टेंडर निकला था वो जीत लिया है बोरा फैमिली ने। अब हम लोग इस ककड़ी को बेचेंगे दुगने दाम में, चल जाके 21 दिन में पैसा डबल का तरीका है। तो ये लोग तो खाली खाली आ रहे, मुझे बना दिया लेबर, ये ककड़ी टेंट, ऐसी हालत में ड्राइवर, लेबर, ड्राइवर कम वेटर कम डोटाल कम मेट कम सब मुझे ही बना रखा इन्होंने। अब मुझे समझ में आया कि पूजा वूजा मेरे हिसाब से क्यों रखते हैं, इनको चाहिए सामान लाने वाला, सारने वाला, गाड़ी चलाने वाला, इसलिए सारे मेरे हिसाब से करते हैं, बाकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है मेरी यहाँ ये सरवाने के लिए, कट्टे वट्टे सारने के लिए, चार चार पाँच पाँच किलोमीटर पैदल मुझसे सिलेंडर लिजवा रहे हैं यहाँ से, इतना अत्याचार हो रहा है मेरे ऊपर। तो पूजा पाठ सब कुछ करने के बाद हम लोग वापस आ गए, हम लोग जा रहे हैं अपने गंतव्य की ओर, जो है हमारा घर नया गांव। तो चलो अब हम जिया जी को यहाँ से बाय बोल रहे हैं। पहला गा, मतलब क्या? पूजा पाठ और ककड़ी का टेंडर वगैरह सब जीतने के बाद हम लोग निकल गए यहाँ से, जाकर से अपने घर को, अपने घर को, जय जाकर श्याम देवता की जय। थोड़े से अपस्त हो रहा है, पता ही है,
फंस गए थे, अभी बाल बाल बचे इतना ट्रक। पापा यहाँ से भी फूल का पेड़ चुरा लाए हैं, हालांकि इतना है बाहर नहीं उतर रहे, लिंगड़े ढूंढ रहे यहीं से। मम्मी कह रही गाइजो मेरे को नींद आई है, बल गाइजो समझ रहे हो गाइजो।